नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN9 न्यूज़। और SBN9 न्यूज़ में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के बाद अब उनके करीबी प्रशांत किशोर, जिसे चुनावी रणनीतिकार भी कहा जाता है, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी गांधी परिवार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी है, ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा, एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस आइडिया और स्पेस का प्रतिनिधित्व करती है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से अधिक चुनाव हार गई हो। विपक्षी नेतृत्व को लोकतांत्रिक तरीके से तय करने दें। प्रशांत किशोर से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए ये कहा था कि अब कोई UPA नहीं बचा है। दरअसल ममता बनर्जी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए BJP के खिलाफ तीसरे मोर्च की तैयारियों में है जुट गई है। वे अलग अलग राज्यों में पार्टियों के नेताओं से मिलकर BJP का विकल्प बनने की अपील कर रही है। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित बैठक में सभी विपक्षी दलों के लिए अगले चुनावों में BJP के खिलाफ एकजुट होने की रणनीति पर चर्चा की थी। ऐसी और खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा SBN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।